महोदय, मेरा सिर्फ आग्रह यह है, यहाँ सब लोग रो ही रहे हैं, अब हंस कोई नहीं रहा है। या कांग्रेस के मित्रों से हम आग्रह करेंगे कि जैसा बोइएगा तो पाइएगा क्या, मना बबूल रोपे तो क्या खजूर खाइएगा। अब हम नहीं, सबकी बात मैं कह रहा हूँ। अब जनतंत्र को ध्यान से हटा करके लोकतंत्र की बात भी ये सही नहीं है। हम समझते हैं हमाम में हम सब लोग नंगे हैं, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। यहाँ आप भी समझते हैं अध्यक्ष महोदय, आप तो मेयर रही हैं, वो ब्लॉक प्रमुख का जो 2 साल के बाद जो बदली किया जाता है, या जिला परिषद अध्यक्ष का या मेयर का, तो कोई महात्मा चोर को हटा के महात्मा गांधी को बैठाने की बात नहीं होती है। वो रुपया के चलते एक चोर महाचोर को बैठाता है, या तो एक चोर दूसरा चोर को बैठाता है। ये जो सत्ता में पैसे, ये जो मनी विल मस्ट एंड मनी विल फर्स्ट एंड मनी विल जस्ट, अर्थ में जो महात्मा गांधी जी से किसी ने पूछा था कि गांधी जी आपके मरने के बाद इस तस्वीर जो लगी है जहां हम न्याय कर लेते हैं क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि हमारी तस्वीर याद दिलाती रहेगी। तो हमको लगता है वो गांधी जी का जो रुपया पर छाप है वो याद दिलाती रहती है। और ये सत्ता के मद में कौन ऐसा व्यक्ति, हाउस ट्रेडिंग कौन नहीं करता ये दुनिया जानती है, इसलिए उस पर बहस नहीं है। लेकिन थोड़ी जल्दीबाजी बीजेपी के साथियों ने कर दी, उनको इंतजार करना चाहिए। और आपने रावत को हीरो बना दिया, आप मानिए या ना मानिए, यह देश हमेशा जो तंग होती है यह देश उसके साथ खड़ा होता है। यह देश या तो ताकतवर के साथ खड़ा हुआ या तो दया करने वाले के साथ खड़ा हुआ। आप लोगों ने थोड़ी जल्दीबाजी की है, ये उचित नहीं था, उनको आप फ्लोर टेस्ट करने देते। मेरा आग्रह है कि स्पीकर और गवर्नर के बीच ये कौन तय करेगा कि स्पीकर सर्वोच्च है या नहीं है। न्यायपालिका और स्पीकर के बीच हम तो याद करना चाहते हैं सोमनाथ दादा को और संगमा साहब को। मैं सोमनाथ दादा लोकतंत्र के सच्चे पुजारी थे, जिन्होंने न्यायपालिका से लेकर दुनिया को बताने का काम किया था कि लोकतंत्र की ताकत इस कुर्सी से चलती है, न कि हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय से चलती है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, मुझे गर्व है, मैं आग्रह करूंगा कि दुनिया ऐसी चीजों को कभी भी सही नहीं, उचित नहीं ठहराती है जो जनतंत्र को अच्छा ना लगे। और मैं अपने निशक जी से कहना चाहूंगा, आपके 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 यहाँ एक संत मर गए थे भूमाफिया के खिलाफ, आप उत्तराखंड में जो प्रलय हुआ वो देन किसकी है? राजनीतिज्ञों की देन है। उत्तराखंड इतिहास से इतिहास नहीं, पढ़ने से इतिहास नहीं बनता, जो इतिहास बदलता है वो उसका इतिहास होता है। इतिहास पढ़िए नहीं, देवो भूमि मातृभूमि, इतिहास के करने से इतिहास बदलता है। वो जब मर गए थे संत तो कोई देखने वाला नहीं था माफियाओं के खिलाफ। एक एक गांव में, 7 गांव में एक मर्द नहीं है उत्तराखंड में, सिर्फ औरत बचे हैं उस प्रलय के बाद, चारों धाम ध्वंस हो गए। या प्रकृति और परमात्मा को छेड़ने वाला मनुष्य, पहले उसको सुधारिए। और ये सारे व्यवस्था का दोष ये है राजनीतिक लोग, राजनीतिक व्यवस्था। इसीलिए हम आग्रह करना चाहेंगे, हम अपने नियत को और नीत को ठीक करें, राजनीतिक व्यवस्था बिकना बंद करें, पद और सत्ता के लिए हम लोभी ना बने। मेरे पास वक्त नहीं है, हम आग्रह करेंगे कि ऐसी लोकतंत्र को बचाने में यदि जनतंत्र पर खतरा हो तो वो सही नहीं है। आपने जो राष्ट्रपति शासन लगाया, हो सकता है वो संवैधानिक चीजें हो, लेकिन मंत्री महोदय आपको यह चीज सोचना होगा। 5 मिनट हो गए, मैं बस लास्ट कर रहा हूं। मैं आप मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा बहुत ही विनम्रता के साथ कि सबसे पहले पॉलिटिकल सिस्टम, सबसे पहले राजनीतिज्ञों की जो स्थिति है, जो आज संविधान और लोकतंत्र जनतंत्र की रक्षा नहीं कर पाता, जात धर्म मजहब सत्ता वोट के लिए सब कुकर्म करते हैं। हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो जात धर्म मजहब और रुपये से उठकर लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। या मेरा आग्रह है, जो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा है हम इसको जल्दीबाजी मानते हैं, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि आप जैसा बोए हो वैसा पाओगे, बोए हो बबूल खाओगे खजूर कहां से, आप सब दिन वैसा किए हो। इसीलिए मेरा आग्रह है कि जो राष्ट्रपति शासन लगा है इसको आप वापस करें, लेकिन जो बिल आप लाए हो निश्चित रूप से यह बिल
चूंकि संवैधानिक संकट था, लाना आवश्यक था। आप जो बिल लाए हो, मैं समझता हूं इस बिल को लाने में आपने जल्दीबाजी नहीं की है। संवैधानिक संकट को बचाने के लिए जो बिल लाए हो, इसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन आपका हम विरोध करते हैं जो आपने राष्ट्रपति शासन लगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है और इस फर्जीवाड़े के लिए जब कानूनी कार्यवाही करनी होगी तो वो स्टेट सरकार के अंतर्गत ही इस वक्त संवैधानिक ढांचे और प्रक्रिया के आधार पर संभव है।